उमरिया जिले की मानपुर जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्थाओं के चलते दूर दराज से आए वर वधुओं सहित उनके परिजन परेशान होते नजर आए। कुल 67 जोड़े निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे विवाह स्थल पहुंच गए। मानपुर जनपद पंचायत सीईओ की लापरवाही के चलते सभी को शाम 6 बजे तक बैठाए रखा, जिन्हें न तो पानी नसीब हुआ और न ही भोजन मिला। भूखे प्यासे दूल्हा दुल्हन ने शाम 6 बजे फेरे लिए। दरअसल आयोजकों ने मुख्य अतिथि बतौर विधायक को बुलाया था, जो तय समय पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंची, तो आयोजकों ने शाम 6 बजे तक दूल्हा दुल्हन को विधायक के इंतजार में बैठाए रखा, जबकि मुख्य अतिथि के बगैर भी तय समय पर विवाह कार्यक्रम किया जा सकता था। आप लोग यहाँ कितने बजे से आए हैं? सुबह 10 बजे से। अभी तक आप लोगों के यहाँ से खाना नाश्ता मिला किसी को? नहीं मिला। मिला है? नहीं। कितने बजे हैं अभी? 3:30 बजे। अभी कुछ नहीं मिला आप लोगों को? किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? शादी करवाने? जी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में? जी। और पानी वगैरह कुछ? पानी नहीं मिला। पानी है इधर? पानी है? बंद है? नहीं है अभी है? नहीं है कि नहीं है? नहीं है। आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं दिया। और खाना नाश्ता? कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्य अतिथि के इंतजार में दूर दराज से आए वर वधु सहित उनके परिजनों को पूरे दिन परेशान होना पड़ा, जिनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु वर वधु को दी जाने वाली कुल 25,000 रुपयों की राशि में से 3,000 रुपये कार्य व्यवस्था के नाम पर काट लिए जाते हैं, जिसमें वर वधु और उनके परिजनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ राशि तो काट ली पर व्यवस्था नहीं की। ऐसे अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी महत्वपूर्ण योजना पर भी सवालिया निशान लगने लगे है। जोड़ा तो हमारे 12 बजे तैयार है, लगभग 40 लोग तैयार हैं जी। 1 बजे तैयार हो गए जी। क्षेत्रीय विधायक माननीय मीना सिंह जी को आना है जी। तो अधिकारी उनके इंतजारी में इस काम को रोके बैठे, विलम्ब नहीं कर आना चाहती हूँ। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।